हेलो फ्रेंड्स, मैं शोएब स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स मोट। आज का टॉपिक है ओला इलेक्ट्रिक बाइक। अब आप सोचेंगे ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात, जी हाँ दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहा हूँ। वो कंपनी जो कि कैब से शुरू करके अपनी स्कूटी लॉन्च की और अब जाके वो उन्होंने अपना एक कंसेप्ट तैयार कर लिया है फोर इलेक्ट्रिक बाइक्स का। तब ने 2017 में अपनी जर्नी शुरू की थी, वहाँ पर से उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक का स्थापना की। और अगर मैं अभी की वैल्यूएशन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका $6 बिलियन का वैल्यूएशन है इस कंपनी की। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कृष्णागिरी तमिलनाडु में स्थित है और इंडिया की या फिर वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो अब इनके जो चार प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इनके जो चार प्रोडक्ट है वो है आपका रोडस्टर एक कैटेगरी हो गई, क्रूजर में दूसरी कैटेगरी हो गई, तीसरे कैटेगरी में बोलूंगा सुपर स्पोर्ट्स बाइक समझ लीजिए जो कि एक डायमंड शेप में इन्होंने बनाया है, थोड़ा ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, और अंत में आपका एक एडवेंचर। तो यहाँ पर ओला ने क्या किया है, यहाँ पर ओला ने चाहा है कि जितने तरह के ऑडियंस होते हैं जो बाइक चलाते हैं वो सबको कैटर करने की कोशिश की गई है। चलिए आप अपनी पैकेजिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैकेजिंग टच कर रहे हैं, जो बाइक पाइए है वो है रोस्टर। अब मैं रोस्टर को चूज किया हूँ, आपने अपने रोस्टर जब मैंने आपका कंसेप्ट को दिखाया था शोकेस किया गया था सामने, ये एक इकलौती बाइक है जिसको चला के लाया गया। ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है और मुझे जैसा लग रहा है कि सबसे पहले नियरस्ट फ्यूचर में अगर कोई बाइक लॉन्च होगी तो आउट ऑफ द फोर ये रोडस्टर ही होगी। तो कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अभी कोई भी तरह एप्लीकेशन नहीं दी गई है। इस पैकेजिंग को जो हम देख रहे हैं, इस बाइक को जो देख रहे हैं, इस हिसाब से अगर मैं समझूँ तो सबसे पहले काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को रखा गया साथ में। मैं वो बोलूँगा कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है यहाँ पर। इसमें नाइट लाइट का इस्तेमाल किया गया फ्रंट में, फॉरवर्ड हैंडल बार है जो काफ़ी आपको कम्फर्ट देगा, आपको चलाने में काफ़ी आराम देगा इस बाइक को। अगर मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग अगर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर टू सीटर बाइक की हुई है, भी काफ़ी प्रैक्टिकल बाइक स्टाइल आउट ऑफ द फोन अगर मैं देखूँ। साथ में अगर वह टायर के साइज देखूँ तो काफ़ी डिजाइन टायर में दिया हुआ है। तो फ्रंट में अगर मैं देख सका हूँ कि यहाँ पर 90 इंच का टायर दिया हुआ फ्रंट में और बैक में आपको 70 इंच का दिया हुआ है। वही डिस्प्ले की अगर बात करो तो इस बात है कि फ्रंट में आपको यहाँ पर देख पा रहा हूँ दो आपको डिस्प्ले किया हुआ है और रियर में आपको सिंगल डिस्प्ले किया हुआ है। बैक साइड से अगर मैं बात करूँ तो आपका एक टेढ़ी डिज़ाइन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ऑल एंड ऑल अगर मैं देखो तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। मोनोटॉप सस्पेंशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया जो काफ़ी कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा। ऑल एंड ऑल एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी प्रैक्टिकल डिज़ाइन मैं बोलूँगा जो रोस्टर में आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकली बात करें तो सेकंड बैच हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज के बारे में हम लोग जानते हैं, वो है काफ़ी क्रूजर। तो ओला क्रूजर करके ये सेकंड टेक्निकली बाइक का जो कंसेप्ट यहाँ पर फोकस की गई है। अब इस बाइक को अगर आप देखें तो ये काफ़ी रिलैक्स टाइप की बाइक की लिए देखने में लगनी है, काफ़ी प्रति एट सीम टाइम और फ्रंट डिज़ाइन दिया हुआ है। तो सामने जो फ्रंट से आप देखेंगे तो काफ़ी जो फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं बात करूँ बात करूँ ये तो काटी की काफ़ी सिमिलर एयरपोर्ट बाइक उसका अगर मैं देखूँ। इसमें भी अगर टायर साइज की बात करूँ तो सेम टायर साइज का इस्तेमाल किया गया, फ्रंट के आपको 19 इंच दिए हुए हैं और बल्कि टायर एंड आपके बैक साइड में आपको 70 इंच का सेम कंसेप्ट आपको डुअल डिस्क ब्रेक का दिया हुआ है। फ्रंट में आपको बैक में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक का दिया हुआ है। डीआरएल लाइट का काफ़ी खूबसूरत इस्तेमाल किया है इसमें, आपको हेडलाइट इसमें दी हुई है जो बाकी में थोड़ा सा मिसिंग आपको लगती है। तो वो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले सेम है, अगर डिस्प्ले की बात करो बाइक इंच का डिस्प्ले इसमें भी दिया हुआ है। सीट्स इसमें अगर आप देखने को मिलेगा, अगर आप इसमें सीट्स देख रहे हैं तो आपको सिंगल सीट है सुंदर प्लेस के साथ, ये काफ़ी लेदर टाइप का मटेरियल होता है, काफ़ी कंफर्टेबल मटेरियल होता है, उसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। सिंगल सीट यहाँ पर देखने को तो मिल गया है, बट इंटरेस्टिंग वह है कि इसका जो प्रैक्टिकल वर्जन जब लॉन्च करेगी कंपनी तो उसमें देखते हैं सिंगल सीट रहेगी कि डबल सीट रहेगी। चलिए आगे बढ़ कर आप तीसरी कैटेगरी के बारे में जानते हैं, तीसरी कैटेगरी की जो बाइक वो है एडवेंचर बाइक। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक ये हो सकता है कि ये लॉन्च होते समय भी आपको माना जाए कि ये पहली इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक हो सकती है या फिर हम कहें तो ऑफ रोडिंग बाइक। तो इसके बारे में अगर मैं देखूँ कि एक कम्प्लीटली लुक जिस तरह मैं देख सक रहा हूँ, ये का कम्प्लीटली लुक इस टाइप वो एडवेंचर बाइक का ऑफ रोडिंग बाइक का इसके डिज़ाइन पैटर्न को भी अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें लार्ज टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ फ्रंट में
अपसेफ.फॉक्स की कैटेगरी दी हुई है जो कि अगर मैं संघर्ष पावर को तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है चेसिस के साथ। तो इसमें आप जब बाइक को राइड करेंगे और रोडिंग करेंगे ना तो आपको स्पीड आएगा बॉडी में, रिजिटनेस इसकी स्पीड आएगी और काफ़ी स्ट्रॉन्गर रहता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है, हैंडलिंग अच्छे प्रोवाइड करता है। तो डिज़ाइन ऑन द ऑल अगर मैं देखा रहा हूँ तो काफ़ी सटीक डिज़ाइन किया गया है और कोडिंग बाइक के हिसाब से इंटरेस्टिंग। इसमें आपको DRL देखने को मिला काफ़ी वर्टिकल डिज़ाइन, वो भी रेयरली आपको देखने मिलता है पंडिकल से DRL से मैंने वो दिया हुआ है। साथ में इसके फीस काफ़ी कम पर अगर पोजिशन पर गई हुई है तो काफ़ी अच्छा आप पर हैंडलिंग करने के और राइडिंग कम्फर्ट पर आपको कहीं कुछ शिकायत नहीं होगी। टायर साइज की बात करते सेम वही है आपको, इसमें भी आपको 90 और 70 से रियर में दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके डिस्क ब्रेक्स की मैं बात करूँ तो डिस्क ब्रेक भी वही है आपको, फ्रंट में आपको डुअल डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं, बैक साइड में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। तो ऑल इन ऑल ये भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, एट द सेम टाइम ऑफ रोडिंग बाइक भी है पर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ ही आ रहा है। अब ये देखना है कि ऑफ रोडिंग बाइक में जो फीचर है इलेक्ट्रिक बाइक का क्या होने वाला है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा देखिए। और फोर्थ कैटेगरी है वो है टाइम वेट या फिर मैं कहूँ सुपर स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक बाइक। अब मैं इसको सुपर स्पोर्ट्स इसके पूरे डिज़ाइन को अगर आप देखें तो काफ़ी एरोडायनामिक डिज़ाइन के साथ इसको बनाया गया, 7 इंच दिया हुआ है। ये गाड़ी अगर आप बाइक अगर आप देखेंगे ना रोड पर तो आपको ऐसे नहीं आप फ्यूचर पे हैं पहले से, तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन बनाया गया। वो इतना तरह के 2030 या 2040 के हिसाब से बनाए जा रहे हैं और प्रैक्टिकल ही देखा जाए तो ओवर देखेंगे कुछ आपको खास समझ नहीं लगी है इस बाइक को। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमारे पास है नहीं, जो हम देख पा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सिटिंग पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डाउनवर्ड है, साइड आपको वहाँ पर टाइटल पास नहीं हुआ है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है इसमें प्रो वोट दिए हुआ है आपको फुट पैक्स के, तो यहाँ पर आप अपनी स्पोर्ट्स वोट भी रख सकते हैं जो थोड़ा सा अपर रहेगा, साथ में फुट पैक्स को थोड़ा गौर कर सकते हैं, कम्फर्ट पोजिशन पर आ रही है। तो ये प्रो वोट थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग कराना है आपको, अब वही थे बाइक चला आप उसको प्रॉपर वोट करके भी चला सकते हैं। डिस्प्ले इसका हिडन है, तो डिस्प्ले अपना आपको अप होता है जब हम बुजुर्ग है तो आपको पता हो जाएगा आपको बंद हो जाएगा। टेकलाइट डी आर काफ़ी शार्प टीवी है, काफ़ी लाइट की तरह भी है डी आर टेकलाइट ही मौजूद है। टायर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सेम है टायर स्पेसिफिकेशन जो कि पिछली तीनों बाइक में मैंने आपको तो बताया जो कि 19 इंच है और 17 इंच है। डिस्प्ले सेम है, फ्रंट में आपको 12 दिया हुआ है, बाइक में आपको सिंगल दिया हुआ है। लाइट अगर मैं समझ पाऊँ तो ये डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सुपर स्पोर्ट्स बाइक का जो डिज़ाइन है उससे कंसिडर कर सकते हैं, इनसे काफ़ी सिमिलर है। लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो लॉन्चिंग मेरे ख्याल से आपका सबसे पहले जो लॉन्च होने जा रही है वो होगी रोडस्टर होगी। रोडस्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं mid-2024 या फिर end-2024 के आसपास में एक कंपनी ऑफिशियली लॉन्च करेगी। उसके बाद हो सकता है कि आपका एडवेंचर या फिर क्रूज़र का टाइम है और सबसे लगता है मुझे सबसे एंड पे जो पार्ट आएगा वो आएगा डायमंड हेड का। तो आप अराउंड समझिए 2025 के एंड में ये बाकी की तीन गाड़ियों भी लॉन्च हो जाएगी। अब आ जाते हैं प्राइसिंग में, तो अब कंपनी की तरफ से भी ऑफिशियली कोई प्राइसिंग पोर्ट नहीं की गई है बट एज पर एक्सपर्ट्स अगर हम जाने तो इस प्राइसिंग को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो सबसे स्टार्टिंग प्राइस में आप लॉन्च होगी आपका रोस्टर जो कि समवेयर अराउंड 2.5 से 3 लाख के बीच में आप समझिए कि एक्सपेक्टेड है। उसी तरीके से उस ऊपर क्रूजर रहेगी जो समवेयर अराउंड 3 से 3.5 लाख के बीच में रहेगी और सेम एडवेंचर भी आपको समवेयर अराउंड 3.5 लाख के आसपास रहेगी। बट अगर मैं डायमंड हेड की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड है कि 4 या 4+ जा सकती है वो। तो ये आई थिंक प्राइसिंग की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी कॉम्पिटेटिव प्राइस है मेरे ख्याल से। अगर मैं अगर इस प्राइस में कंपनी अगर लॉन्च करती तो ओला काफ़ी एग्रेसिव रहेगी मार्केट में और ये जो चारों कैटेगरी में उन्होंने इंटर किया है इसी ये पता चल रहा है कि वो हर एक फील्ड में अपने ऑडियंस को टच करेगी, अपने कस्टमर को टच करेगी।